हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फॉर मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं हलवा पराठा। ये बॉम्बे की बहुत ही फेमस डिश है, रमज़ान में तो ये बहुत चलती है और ऐसे भी आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हम हलवा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ना 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर लिया है। घी थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगेगा, आप तेल में भी बना सकते हो। जितना आपका रवा है ना, वो रवा उसमें पूरा अच्छे से भीग जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने रवा ऐड कर दिया है। रवे को अच्छे से अभी इसमें हमें तकरीबन 5 मिनट तक ना हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये सारा प्रोसेस ना आपने स्लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे करना है, वरना जो रवा है वो जल जाएगा। आपने स्लो फ्लेम पे इसे आहिस्ते आहिस्ते इसी तरीके से भूनते जाना है। अब रवा अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम ऐड कर देंगे शक्कर। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े चम्मच शक्कर ऐड की है, यानी कि एक कटोरा भर के समझ लीजिए। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपको ऐड करना होगा। इन सबको अच्छे से मिला लें एक बार, ताकि शक्कर भी जो है स्लोली स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब इसको मैंने कलर ऐड कर दिया है, फूड कलर मैंने यहाँ पे रेड वाला लिया, बिकॉज उनका रेड एकदम पिच रेड कलर होता है। और अब यहाँ पर साथ में मैंने दूध ऐड किया है, तो यहाँ पर 1 कप दूध मैंने डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिला लें इन सबके अंदर। अब यहाँ पर जो है मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया है। आप चाहे तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपके पास में अगर इलायची पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। रवा जो है देखिए अब होल्ड करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट हो चुका है रवा। रवा अब हो चुका है तो इसको अब हम गार्निश कर देंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम जो है वो बारीक काट लिए हैं, वो इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हो। तो रवा हो चुका है, अब हमें बनाना है इसका पराठा। पराठे का डो मैंने ऑलरेडी मैदे से तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ना हम ऐसे ही रोटी रफली बेल देंगे। आप बस देखते जाइए टेक्निक क्या करना है। अब बस आप देखते जाइए वीडियो में मैंने कैसे किया है। इसे ना बस बारीक सा आपने इस तरीके से रोल करते जाना है। थोड़ा सा मैंने घी भी लगा लिया था, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये रोल होने के बाद में आपने इसे ना और थोड़ा सा पतला कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ताकि इसके लच्छे अच्छे से बन सके। तो ये जितना और आप पतला करेंगे उतना अच्छा ये रोल होगा। तो अब इसे आपने बस इस तरीके से गोल गोल करके रोल करते जाना है, पेड़े बनाते जाना है इसका। दैट्स इट। और अब इसे जैसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको पराठे की तरह बेल लेंगे। और इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है क्योंकि पराठा है ये। तो बस कुछ इस तरीके से इतने ही साइज तक हम बेलेंगे। अब मार्केट में जो हलवा पूरी मिलती है ना, वो लोग पूरा का पूरा ये पराठा जो है वो घी में ही तलते हैं लिटरली। तो इतना घी तो इज़ नॉट पॉसिबल, हेल्थ कॉन्शियस भी है हम लोग को। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे हम रोटी सेकते हैं ना बस वैसे, बस हल्का सा इसके अंदर घी लगा लिया है। अब दोनों ही साइड से मैंने अच्छे से सेक भी लिया है और इसे घी थोड़ा सा ही लगा लिया है ऊपर। आप चाहे अगर आपको पसंद है तो आप पूरा का पूरा घी में इसे लिटरली तल सकते हो, बट आई प्रेफर नॉट टू डू दैट, क्योंकि काफ़ी घी घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये पराठा आप देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। बस इसे ऐसे ही सर्व करना है गर्मा गर्म हलवा पूरी डालकर। तो बस यही थी रेसिपी, बहुत ही अमेजिंग लगता है और ये गर्मा गर्म जब आप सर्व करोगे ना सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही क्विक बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद फजीन्स फॉर मैजिक फॉर मोर सच वीडियोज़।